अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है, अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने टीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया।